बेटा जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस फिगर में हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड से लेके टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड तक। तो अगर हमें 5 सेकेंड का निकालना हो, 10 सेकेंड का निकालना हो, वो तो इजीली निकल आएगा। लेकिन इसमें क्या है, 5 सेकेंड तक तो एक्सलेशन बढ़ रही है ना, और फिर नेगेटिव एक्सलेशन हो रही है। तो हमें अगर 2 टू 6 निकालना होगा तो पहले हमें 2 टू 5 तक निकालना होगा, और 5 से लेके 1 सेकेंड तक ये नेगेटिव एक्सलेशन है, फिर 1 सेकेंड का अलग निकालना होगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना डिस्टेंस कवर्ड है ना, किस टाइम का, फॉर टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड, दैट इज 4 सेकेंड का आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस कवर्ड, कौन सा टाइम, एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, उसमें प्लस ऐड करना पड़ेगा आपको डिस्टेंस कवर्ड एट टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड, है ना। तो पहले मैं वेलोसिटी अगर देखूं इसकी, तो इसकी किस रेट से, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ अभी आपने देखा, तो किस रेट से एक्सेलरेशन बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी निकालते हैं पहले। तो ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी आपने देखा ग्राफ में कि 5 टाइम पे 12 वेलोसिटी है उसकी, तो 12 डिवाइड बाई 5, तो ये एक्सेलेशन उसकी हमारे पास क्या बन जाएगी, 12 डिवाइड बाई 5, दिस इज 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इसका मतलब 2 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2.4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 4.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब आपको निकालना नाउ डिस्टेंस, जिसे मैं S1 कह देता हूँ, फॉर टी इजकल टू 2 सेकेंड टू टी इजकल टू 5 सेकेंड, दैट इज कितने टाइम का, 5 से 3 सेकेंड का। तो कैसे निकलेगा, फार्मूला आपके पास है 1/2 ut 1/2 at स्क्वायर। तो S1 इनिशियल वेलोसिटी 2 सेकेंड पे कितनी है, 4.8, टाइम कितना 3 सेकेंड का, 1/2 एक्सेलेरेशन कितना है 2.4 और टाइम 3.6 स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आपको ये मिल जाएगा 25.2 मीटर, राइट। अब आपको निकालना डिस्टेंस कवर्ड टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड, मीन्स नेट टाइम आपने 1 सेकेंड ही हुआ, 5 सेकेंड टू 6 सेकेंड इसका निकालना। लेकिन आप ग्राफ में देख रहे हैं कि 5 सेकेंड के बाद उसकी नेगेटिव एक्सलेशन है ना, तो ए की वैल्यू जहाँ पे 2.4 के बजाय -2.4 पुट करेंगे नेगेटिव एक्सलेशन। तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं 5 सेकेंड के, क्या होगी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। तो 5 इंटू एक्सलेशन कितनी थी, 2.4, तो जब मैं 5 इंटू 2.4 करूँगा, 4 टू ये आ जाएगा हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब
यहाँ पे आपने, मैंने अभी बोला कि एक्सेलेरेशन को माइंस में रखना, तो 2.4 वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन माइंस में रखना। तो जहाँ पे अगर मैं टोटल टाइम, तो वो फार्मूला वही रहेगा 1/2 a t स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 5 सेकंड की कितनी है, 12। टाइम टी कितना है, 1 सेकंड, प्लस 1/2। एक्सेलेरेशन कितना है, -2.4 और 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस, जब इसको इससे 2.4, ठीक है 2.4, और ये करेंगे हमारे पास तो माइनस क्या बन जाएगा, ये 2.4 और 12, 1/2। एक्सेलेरेशन कितनी है इसकी, एक्सेलेरेशन तो हमारे पास 2.4, तो 2.4 1/2 a t स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, तो 1/2 माइनस 2.4, दिस इज 1.2, है ना, तो दिस इज 10.8 मीटर जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस इसका मतलब हो गया S1 और S2 दोनों को सम कर दो, S1 इज 25.2 मीटर और दिस इज 10.8 मीटर, है ना, 8 और 2 10, तो दिस इज 36.0 मीटर। तो ऐसे हम इन क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। थैंक यू।